स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की। केमिकली हमारा जो मैटर होता है वो किन कैटेगरी में डिवाइड होता है, तो आपने देखा था कि एक तो आपका प्योर सब्सटेंस था और एक हमारा क्या था, मिक्सर। तो आज हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की। इसके अंदर अगेन ही फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड था, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम केमिकल कंपोजिशन में प्योर सब्सटेंस वाला पार्ट। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट की। तो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, सबसे फर्स्ट तो आपका प्योर सब्सटेंस है आपका एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है जो किससे बना है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम से, एक ही टाइप के एटम से अगर आपका कोई प्योर सब्सटेंस बना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। अब एटम क्या है, तो सभी को पता है एटम क्या होता है, आपका किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है, स्टेट होती है, या जिसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसको एटम बोलते हैं। अब एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर प्रोटॉन होता है और आपका न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये आपका एटम होता है, जितनी साइज एटम जितना साइज में बड़ा होगा उतने आपका ऑर्बिटल्स होंगे और उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो एटम आपको क्लियर है। तो यहाँ पर अगर एक ही टाइप का एटम हो और उससे हम एक प्योर सब्सटेंस बनाएं उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। अब अगेन हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं अभी तक, अभी हमारे पास प्रेजेंट टाइम में 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं जो कि आपको पीरियोडिक टेबल में देखने को मिल जाएंगे। अब पीरियोडिक टेबल में आपका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब भी होगा उसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल को हम देखेंगे। अब 118 एलिमेंट्स आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर, आगे और बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो एलिमेंट होता है उसको हम अगेन थ्री टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है आपका मेटल, सेकेंड नॉन मेटल और आपका मेटलॉइड्स। इनके हम आगे और डिटेल में बात करेंगे, अभी केवल इतना समझ लो कि जो मेटल्स है वो अप्रोक्स 94 है। मैंने अप्रोक्स क्यों लिया है अभी मैं क्लियर करूँगा इसको। और नॉन मेटल्स कितने हैं आपके, 17, और मेटेलॉइड्स हमारे पास अप्रोक्स 7। जब हम तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं, टोटल 118 एलिमेंट जो कि हमारे अब तक के डिस्कवर एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे अप्रोक्स क्यों लगा रहा हूँ मैं, मेटल्स में कभी कभी 95 बोल देते हैं किसी बुक्स में और यहाँ पे कभी कभी इसको 6 बोल देते हैं। तो कभी 94, कभी 95, कभी 7 और कभी 6। क्यों होता है ऐसा, तो जब मैं पीरियोडिक टेबल बताऊंगा आपको तब अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो अभी आप इसको ये ध्यान रखो कि अप्रोक्स 94 तो आपके मेटल्स होते हैं और अप्रोक्स 7, सॉरी यहाँ पे उल्टा कर दिया हमने, हाँ अप्रोक्स आपका 7 मेटलॉइड्स हैं और नॉन मेटल आपके 17 है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट कर लो इसको। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के अंदर थोड़ा डिटेल के अंदर कि इनको कैसे पहचान सकते हैं हम कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा मेटलॉइड है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं इनसे कंपेरिजिबल, हम इसका डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट है मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब आपने देखा होगा कि आपके घरों के अंदर जो वायर्स यूज़ में लेते हैं तो वो किसके बने होते हैं, मेटल्स के। मतलब क्यों ले रहे हैं इनको यूज़ में, क्योंकि ये अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम इसको लास्ट में देखेंगे, सबसे फर्स्ट हम मेटल और नॉन मेटल को कंपैरिजन करके देख रहे हैं। तो मेटल आपका गुड कंडक्टर हो गए इलेक्ट्रिसिटी के और नॉन मेटल क्या हो गए, बैड कंडक्टर्स। तो एक तरीका तो ये इलेक्ट्रिसिटी से देखने का कि मेटल कौन सा और नॉन मेटल कौन सा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी है, जो मेटल्स होते हैं उनके पास सोनरस प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल्स के पास सोनरस प्रॉपर्टी नहीं होती। अब सोनरस प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि आप कोई भी एक मेटल लो, जैसे कि मान लो मैंने लिया आपका कॉपर से बना हुआ कोई भी आपका कंटेनर लिया, देखा होगा सबने कॉपर से बना हुआ कंटेनर आप सबके पास अवेलेबल होगा या देखा होगा। तो उसको हम आसानी से जब उसको बजाते हैं तो उसके अंदर से कुछ आवाज़ आती है तो उसको हम बोलते हैं सोनरस।
अगर नॉन मेटल से जैसे कि कोई गैस लिया हमने, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, तो उसको हम बजाने से कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो सोनरस प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स की, वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें से साउंड आती है बाहर और इसमें साउंड नहीं आती है, तो इसको हम बोलते हैं सोनरस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है थर्ड आपका लशर। जो मेटल्स होते हैं उनमें लशर होता है और नॉन मेटल्स में लशर नहीं होता है। अब लशर क्या होता है, लशर होता है आपका एक तरह से साइन करने की प्रॉपर्टी। जिस एलिमेंट के पास साइन होगा वो मेटल होगा, जिस एलिमेंट के पास साइन नहीं होगा वो नॉन मेटल होगा। जैसे कि आपने देखा होगा सिल्वर, गोल्ड, ये आपके क्या है, मेटल्स है, ये आपका साइन करते हैं, तो यानी कि ये प्रॉपर्टी किसके पास है, मेटल्स के पास है। तो थर्ड हम बात करते हैं, लशर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के पास कि ये डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स या ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम लंबे लंबे वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कॉपर जो होता है उसकी वायर्स को आप देखते हो, मतलब कॉपर आपका एलिमेंट है तो उसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डक्टाइल प्रॉपर्टी। और डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जिसको हम आसानी से लंबे लंबे वायर्स में कन्वर्ट कर सकें, जबकि नॉन मेटल्स को हम लंबे लंबे वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम बोल सकते हैं इसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका मेलिएबल। मेलिएबल क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है कि जिनको हम पतली पतली शीट्स में भी क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। आपने देखा होगा कि जैसे एल्यूमिनियम आपका एक मेटल है और एल्यूमिनियम की फॉइल आपने देखी होगी, उसको हम जैसे कि कहीं टिफिन में खाना लेके जा रहे हैं तो एल्यूमिनियम की फॉइल के अंदर हमारी चपाती वगैरह रख के ले जाते हैं, तो जो पतली सी शीट होती है वो किसकी बनी हुई है, मेटल, और उस मेटल का क्या नाम है, एल्यूमिनियम। तो आप देख सकते हो कि जो मेटल्स होते हैं उनकी हम पतली पतली शीट्स भी बना सकते हैं और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबल प्रॉपर्टी, जबकि नॉन मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेटल्स के पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, मेटल्स के एग्जांपल क्या क्या है। जैसे कि कॉपर हो गया, CuC इसको डिनोट करते हैं। आयरन आपने घरों में देखा होगा, लोहा, उसको हम किससे केमिस्ट्री में किससे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, Fe से। इसके अलावा सिल्वर आपने जो पहनते हैं लड़कियां वगैरह, ये हो गया आपका सिल्वर। Au हो गया आपका गोल्ड। तो इस तरीके के जो मेटल्स हैं ये आपके एग्जांपल्स हैं। नॉन मेटल्स के एग्जांपल क्या हो गया, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई, क्लोरीन गैस हो गई, इस तरीके से आपका नॉन मेटल्स हो गया। अब बात करते हैं हम मेटलॉइड्स की। तो मेटलॉइड्स क्या होता है आपका, तो यहाँ से जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के बिटवीन की कैटेगरी का होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं जिसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की है और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की, उन दोनों के बीच में जो स्टे करता है उसको क्या बोलते हैं हम, मेटलॉइड्स। अब जो मेटलॉइड्स होते हैं उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दे शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी कि जिसके पास मेटल्स की प्रॉपर्टी हो एज वेल एज नॉन मेटल्स, साथ ही उसके पास किसकी प्रॉपर्टीज हो, नॉन मेटल्स की, ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, इस तरीके से आपके जो मैंने बताए थे आपको सेवन आपके मेटलॉइड्स होते हैं। अब इनको कैसे पहचानते हैं, क्या तरीका है इनका, तो जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी आप केवल इतना समझो कि इनके बिटवीन डिफरेंस क्या होता है और क्या कैसे हम देख सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर है, राइट कर लो इसको। अब है हमारे पास कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, तो व्हेन टू और मोर, जब टू और टू से ज़्यादा अगर एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं किसी फिक्स्ड रेशो के अंदर, तो जो प्रोडक्ट आपका आएगा उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कंपाउंड। कहने का मतलब ये, एलिमेंट तो आपका सेम काइंड के एटम से बन रहा था, ठीक है, और कंपाउंड क्या होता है आपका, टू या टू से ज़्यादा आपका जो एलिमेंट्स है उनके कंबाइन होने से, फिक्स रेशो में कंबाइन होने से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मैं इनको
प्रॉपर रेशो में किसी फिक्स रेशो के अंदर लेता हूं, किसी फिक्स रेशो में लेता हूं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हमारे पास H2O बनता है, इसके साथ ही हमारे पास H3O+ बनता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो मैं यहाँ पे हमारे पास एक लेता हूँ मैं कार्बन और एक ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इनको फिक्स रेशो के अंदर लेता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास CO2 भी बनता है और CO भी बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है कंपाउंड के। H2O आपका कंपाउंड है, H3O+ कंपाउंड है, CO2 कंपाउंड है और CO कंपाउंड है। इनको बनने का क्या तरीका है, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर 2:1 में लेते हैं, मतलब 2 आपके हाइड्रोजन और 1 आपका ऑक्सीजन, इस रेशियो के अंदर अगर हम लेते हैं तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो H2O ही बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। इसी तरीके से अगर हम इसको 3:1 में लेते हैं, मतलब हाइड्रोजन के 3 पार्ट और ऑक्सीजन का 1 पार्ट, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका H3O+ ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। इसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन को अगर मैं 1:2 में लेता हूँ, मतलब 1 पार्ट कार्बन का और 2 पार्ट ऑक्सीजन का, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका CO2 ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं 1:1 में लूँ तो कार्बन भी आपका 1, ऑक्सीजन भी आपका 1, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो CO बनेगा, और CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हाइड्रोनियम आयन और ये वाटर, तो ये सभी आपके क्या है, कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, 2, ओनली 2 एलिमेंट्स। अगर मैं 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स भी लूँ, जैसे कि मान लो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, थर्ड एग्जाम्पल जैसे कि मान लो हमने लिया NaHCO3। यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट्स है, एक तो आपका सोडियम एलिमेंट है, एक हमारे पास हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 4 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं किसी फिक्स्ड रेशो के अंदर, और वहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो यहाँ पे मोर देन 2 एलिमेंट्स हैं तो ये भी क्या होगा, आपका कंपाउंड होगा। ठीक है, और इस कंपाउंड का क्या नाम है, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंपाउंड कंप्लीट होता है। अब लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक स्पेशल बात बता के जा रहा हूँ, आपने मॉलिक्यूल का नाम भी सुना होगा, मॉलिक्यूल क्या होता है। तो आपके जो एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड होते हैं, इन दोनों को हम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, आपने देखा था ये आपका क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि हमारे पास नॉन मेटल के अंदर इसका एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाया था, तो ये आपका एलिमेंट हो गया, इसको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं और इसको हम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते हो, पर इसका परफेक्ट क्या होगा, एलिमेंट, उसके बाद है ये मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि NaCl है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है किसी फिक्स रेशो में आपका कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग 2 एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, कंपाउंड होगा, बट इसको हम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एलिमेंट को और कंपाउंड को, दोनों के जितने भी आपके प्रोडक्ट होंगे उन सभी को हम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। क्लियर हो गया सबको, तो ध्यान से समझना, मॉलिक्यूल क्या है, आपके मॉलिक्यूल एलिमेंट भी होते हैं, आपके मॉलिक्यूल कंपाउंड भी होते हैं। तो जितने भी कंपाउंड है वो सभी क्या बोल सकते हैं, हम मॉलिक्यूल, और जितने भी एलिमेंट है उनको क्या बोल सकते हैं, हम मॉलिक्यूल। बट सारे मॉलिक्यूल एलिमेंट नहीं हो सकते, सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकते हैं, ये बस आपको ध्यान रखना है। अब जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन भी दे देता हूँ, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, मतलब ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, मॉलिक्यूल्स है, बस आपको ये बताना है कि इन मॉलिक्यूल्स में से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा है कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। जैसे कि इसमें से एक का मैं बता देता हूँ, चलो मैं इसी का बता देता हूँ, C6H12O6, ये आपका होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज जानते हो आप, जो खाना खाते हो
उससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज का केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब बात करते हैं कि ये आपका एलिमेंट है या कंपाउंड है। तो एलिमेंट क्या होता है, एक ही तरीके एटम से बनाओ। अब यहाँ पे देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, कंपाउंड होगा आपका, क्लियर है। और जैसे कि ये बता देता हूँ मैं, ये फ्लोरीन है F2, तो ये आपका क्या होगा, एलिमेंट होगा। ये एलिमेंट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही तरीके का क्या है, एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया आपका, एलिमेंट हो गया। ये एलिमेंट है और ये क्या है, कंपाउंड है। अब रिमेनिंग जो बचे हुए हैं इनको आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है और कौन कौन से इसके अंदर से एलिमेंट है। तो आप अपना जो भी रिजल्ट आएगा उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।